जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों आशा सहयोगिनी सीधी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, राजस्थान में आशा सहयोगिनी भर्ती निकली है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी हैं, उनकी भर्ती है दोस्तों। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एकदम आसान और सरल भाषा में। बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किया था कि सर हमारी भर्ती कब आएगी, हमारी भर्ती कब आएगी। तो ये लो जी आपकी भर्ती आ चुकी है। हमने आपको कह दिया था कि आपके जिले की भी भर्ती आ जाएगी। इस भर्ती में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, पुरुष इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर कोई भी पुरुष वीडियो देख रहा है तो आपके घर में कोई भी महिला हो, आपकी माता हो, बहन हो, पत्नी हो, आपके रिश्तेदारी में कोई भी हो, तो उनको आप ये भर्ती बता सकते हैं, उनका फॉर्म लगवा सकते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। तो इसी की संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। तो चलो भाई, इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। और जो भी भाई बहन योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहता है, जितनी भी सरकारी योजनाएं निकल रही हैं, उन तमाम योजनाओं की वीडियो आपको ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी साथियों। ओमवीर योजना इस नाम से आप सर्च करो, वहां पे आपको तमाम सरकारी योजनाएं आपको मिल जाएंगी। इस चैनल पर भर्तियां मिलेंगी और योजना के चैनल पर सरकारी योजनाएं मिलेंगी। आप जो भी योजनाएं चलती हैं वो तमाम उस पे मिले। अब चलो फटाफट शुरू करते हैं। ऑफलाइन आवेदन है और लास्ट डेट 20 फरवरी 2024 है। ये जो भर्ती है जयपुर जिले की है, आप सभी को पता है, थंबनेल पर हमने लिख रखा है। वैसे हम भ्रमित करते नहीं हैं ताकि भाई आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से हम थंबनेल पे लिख देते हैं जिला जयपुर। तो ये जयपुर जिले की भर्ती है साथियों। राजस्थान आशा सहयोगिनी सीधी भर्ती 2024 जयपुर आंगनबाड़ी भर्ती केवल महिलाओं के लिए है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, इसमें परीक्षा नहीं होती है। एज 18 से 40 साल है। ग्राम पंचायत स्तर की नौकरी है, यानी कि जिस ग्राम पंचायत के आप निवासी हैं, जिस तहसील की आप निवासी हैं, उसी तहसील में आप फॉर्म लगा सकती हैं। कौन कौन सी तहसीलों में भर्ती निकल रही है वो भी हम बता देंगे, उसकी भी टेंशन ना लो। फॉर्म कहाँ मिलेगा, जमा कहाँ करवाना है, सारी बात कराऊंगा एकदम सरल भाषा में। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी देख लेंगे, लेकिन आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, ठीक है? वैसे नहीं है कि भाई मित्र पे चलेगी, फॉर्म ले ली, भर दी, जमा करवा दी, ना रद्द माना जाएगा। फॉर्म कहाँ मिलेगा, देखो, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये है आपका स्थान जहाँ पे फॉर्म मिलेगा आपको। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय आमेर है, गोविंदगढ़ है, जमवा रामगढ़ है, कोटपुतली, विराटनगर, झोटवाड़ा, जहाँ की भी आप निवासी हैं वहीं के कार्यालय में चली जाएं और जाकर के आप अपना फॉर्म ले सकती हैं और वहीं पे जमा करवाना है। फॉर्म भी यहीं जमा करवाना है, प्राप्त भी यहीं से करना है। किसी के चक्कर में ना आवे कोई ये सोचे कि मित्र वाला से ले लें के ना, फॉर्म आपको ऑफिस में ही लेना है और वहीं पे जमा करवाना है। और फॉर्म के आपके पास 100 रुपये की रसीद भी कट सकती है, ठीक है ना? तभी मान्य होगा जब आप फॉर्म ऑफिस में से लोगे और वहीं पे जमा करवाओ। आधार कार्ड लगाओ, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, मार्कशीट, जो भी है भाई, ये 12वीं पास की नौकरी है, 12वीं पास, ठीक है? योग्यता क्या है साहब, 12वीं पास। 12वीं पास की जो महिलाएं हैं वो फॉर्म लगा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। मार्कशीट लगाओ, अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो लगा सकते हो, कोई भी डिग्री डिप्लोमा हो तो लगा सकते हो, जैसे भाई कोई बीएससी है तो फॉर्म लगा सकती है, कोई नर्सिंग है, कोई महिला नर्सिंग है तो वो लगा सकती है, कोई एएनएम है, जीएनएम है तो वो भी अपने डिग्री डिप्लोमा लगा सकती है। इसके नंबर मिलेंगे, मूल्यांकन होता है तब उसमें नंबर मिलते हैं। क्या होता है जी, मूल्यांकन होता है तो उसमें नंबर मिलते हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। कोई भी डिप्लोमा हो आपके पास, चाहे आरएस सीआईटी का हो, ठीक है, चाहे आपने भैया बीएसटीसी कर रखी हो, बीएसटीसी, ठीक है, बीएड हो,
तो भी लगा दो, एमए बीएड बीए बीएससी कुछ भी है डिग्री डिप्लोमा सारे की सारी फोटोकॉपी लगा दो। और फोटोकॉपी लगा करके विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है तो न्यायालय द्वारा पे प्रमाण पत्र, कोई दिव्यांग महिला है, कोई भी दिव्यांग महिला है तो वो अपना 40% का सर्टिफिकेट लगाए, ठीक है। ये सारा कागज पत्र फोटोकॉपी करवा के खुद का साइन करके लिफाफे में पैक करो और यहीं पे फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भी लो और दो फोटो अपनी पासपोर्ट साइज की, दो फोटो और फॉर्म। फॉर्म तो आपको कहाँ से लेना है, यहाँ लेना है ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अब आप कहाँ की निवासी हैं वहीं आपके ऑफिस में जाके जमा करवा सकते हो और वहीं से फॉर्म मिलेगा, वहीं फॉर्म लो, भरो, फोटो फाटो चिपकाओ, सारा डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लगाओ और जमा करवा दो। जमा 20 फरवरी से पहले पहले करवाना है, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है साहब। ये तो कर देंगा, अब खाली पद बता दो फटाफट। हाँ लो बता दें था, खाली पद देखो, और 10वीं पास महिला है वो भी इसमें आवेदन कर सकती है, 10वीं पास महिला, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। 10वीं पास हो तो भी फॉर्म भर दो, 12वीं पास हो तो भी फॉर्म भर दो, 12वीं पास हो तो भाई और अच्छा बेनिफिट है, 10वीं पास हो तो भी फॉर्म भर सकती हो, कोई समस्या नहीं है। आमेर में एक पद है, रामपुरा पीएचसी में, ठीक है साहब। गोविंदगढ़ में 4 पद हैं खाली, जमुआ रामगढ़ में अजबपुरा पीएचसी है ना, वहां 2 पद हैं। कोटपुतली में 8 पद हैं, कोटपुतली में नारेड़ा पीएचसी है वहां पे भी पद खाली है, राजनोता पीएचसी में भी पद खाली है, रघुनाथपुरा पीएचसी में भी पद खाली है और कोटपुतली में 8 पद हैं टोटल, और भी हैं। नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ओमवीर रोजगार के नाम से टेलीग्राम है, उसमें जाके सर्च कर सकते हो, आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम, उसी में नोटिफिकेशन मिलेगा। बैराट, जिसको विराट नगर बोलते हैं, बैराट में भी पद खाली है 4। देखो बाबरू पीएचसी में मैड, जो मैड है बिलवाड़ी है उनमें पीएचसी सीएचसी है, वहां पे पावटा सीएचसी है केंद्र है, वहां पे पद खाली है। बिलवाड़ी में पीएचसी है वहां पे पद खाली है, तो विराट नगर में टोटल 4 पद खाली है। झोटवाड़ा ग्रामीण में 2 पद हैं और झोटवाड़ा शहरी में 9 पद हैं, ऐसे टोटल ये कितने पद हो गए, टोटल 30 पद हैं साहब, टोटल 30 पद हैं। इन 30 पदों पे ये भर्ती निकली हुई है, आराम से आप फॉर्म भर सकती हो, कोई समस्या नहीं है, कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा की भर्ती है, ठीक है साहब। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, और भी ज़्यादा जानकारी आपको लेना है तो आप अपने ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में चली जाएं और वहां जाके इसका फॉर्म भी मिल जाएगा और इसकी जानकारी जो भी आपको लेनी है वो ले सकते हैं, ठीक है। हाँ तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।